नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन आर्मी में पिछले एक महीने से जो है भर्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों सोल्जर टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, जनरल ड्यूटी, सोल्जर NA, बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए A to Z डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में आपके लिए इनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, उसके बाद में आपकी एज लिमिट, हाइट, वेट, चेस्ट, जो भी है पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है। सबसे पहले है दोस्तों जो, वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर एंड NA वेट इन RVC। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आपको एज लिमिट की जरूरत होगी 17.5 साल से 23 साल तक। तो अगर आपकी एज 17.5 साल से 23 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाइट आपके दोस्तों यहाँ पे 170 सेंटीमीटर, वेट 50 किलो, और यहाँ पर आपके जो चेस्ट होगा वो 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों आपको +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इस पद के लिए आपको अप्लाई करने के लिए एजुकेशन QR क्या होगा वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास में आपको 12th पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आपके पास में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट कंपल्सरी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपके पास में 12th में होने चाहिए। 5वां सब्जेक्ट आपके कोई भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो एक बहुत बड़ी बात है वो है ये कि आपके जो 12th क्लास में ओवरऑल परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई यहाँ तक आर्मी मेडिकल कोर तक। उसके बाद में आती है दोस्तों NA वेट इन RVC। तो RVC में आपके लिए अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साइंस के साथ में आपके पास में सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास में ओवरऑल, और 40% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होना जरूरी है, तभी आप इस पद के लिए, मतलब सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक पद के लिए जो है वो मैंने आपके लिए पूरी क्लियर कर दी है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों सोल्जर क्लर्क। तो सोल्जर क्लर्क में अप्लाई करने के लिए आपके पास में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों 17.5 साल से 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है दोस्तों, यहाँ पर क्लर्क में हाइट आपको पता होगा कि कम ली जाती है, क्लर्क में जो हाइट होती है दोस्तों वो 162 सेंटीमीटर ली जाती है ऑल इंडिया, तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों क्लर्क और स्टोर कीपर में आपके लिए जो भर्ती देखने के लिए एजुकेशन QR की आवश्यकता होगी वो है दोस्तों 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए आपके लिए। आपके पास में आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आपके पास में इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपके पास में इंग्लिश नहीं है 12th क्लास में तो आप सोल्जर क्लर्क टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपल सा बताता हूँ बिल्कुल हिंदी में, 10+2 यानी कि 12th पास होना जरूरी है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट कोई सा भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी कंडीशन है वो ये है कि आपके दोस्तों जो ओवरऑल
ट्वेल्थ क्लास में परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए और आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप क्लर्क में जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों सोल्जर डी फार्मा। तो सोल्जर डी फार्मा की भर्ती देखने के लिए आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो कुछ आपको ज्यादा दी गई है। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होगी वो 19 साल से 25 साल तक दी गई है। ठीक है, वैसे जनरली दोस्तों 23 साल तक ही आर्मी की भर्ती में एज लिमिट होती है, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जिनमें एज लिमिट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 19 साल से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच में अगर आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। हाइट दोस्तों इसकी सेम है सोल्जर जीडी की तरह ही 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 केजी और हाइट आपकी चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या जरूरत होगी वो मैं आपके लिए बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपके पास में दोस्तों 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, आपके पास में सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसके बाद में आपके पास में डी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 55% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, 12th पास होना चाहिए, 12th में सब्जेक्ट आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में दोस्तों नंबर दो डी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपके 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप सिपाही डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब होती है दोस्तों ये। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम इसके आपको फिजिकल के बारे में बताएंगे। तो फिजिकल के बारे में हम आपके लिए यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 1600 मीटर की आपकी जो है वो रेस होगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ठीक है, ग्रुप वन में दोस्तों आपके लिए 5:30 का आपकी जो 1600 मीटर की रेस होती है उसको पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर आप अपनी रेस 1600 मीटर की जो रेस है उसको 5:30 से पहले कंप्लीट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 60 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप 5:31 से 5:45 के बीच में अपने रेस को पूरी करते हैं तो आपको यहाँ पर 48 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी होती है पुलअप्स। तो पुलअप्स अगर आप 6 पुलअप भी लगाते हैं तब भी आपको पास कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप 6 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको ओनली 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 7 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 8 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 9 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे और 10 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको पूरे 40 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने रेस को 5:30 से पहले पास करते हैं, मतलब ग्रुप वन में क्रॉस करते हैं, तो आपको 60 नंबर, और अगर आप अपने जो पुलअप्स होते हैं अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल होता है वो 100 नंबर का होता है। इस तरह से आपको क्या है 100 के 100 नंबर मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा आपके लिए आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके लिए काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। इनमें आपके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है, इन दोनों फिजिकल में दोस्तों आपके लिए केवल नीड टू क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आप इसको पास करते हैं तो। इसको केवल पास करना अनिवार्य होता है और ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके फिजिकल की डिटेल। अभी हम आपके लिए बताएंगे कि इस भर्ती में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे और ये भर्ती जो है वो किस स्टेट के लिए है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पूरी जानकारी हम आपके लिए अभी देने वाले हैं। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन सरदार शहर चुरू राजस्थान। तो ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो राजस्थान के बंदों के लिए है, चुरू एआरओ के लिए। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी
डिस्ट्रिक्ट्स के जो कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 8 अगस्त 2020 टू 22 सितंबर 2020। यानी कि दोस्तों आज है 7 अगस्त 2020 और 8 अगस्त यानी कि कल से इस भर्ती के जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 22 सितंबर 2020 तक चलेंगे। तो 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में आपके लिए यहाँ पर क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, एक वीडियो में पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए। और अगर आपको ये डाउट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो उसके लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इन दोनों वीडियो के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इन वीडियोस के लिए देख सकते हैं और अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो भर्ती है इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप देखेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ झुंझुनू, बीकानेर, चुरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट फॉर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर वेट इन आरबीसी सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड सिपाही डी फार्मा। तो अगर आप नंबर 1 झुंझुनू, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 चुरू, नंबर 4 श्री गंगानगर, नंबर 5 हनुमानगढ़, इन 5 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो जो है दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी भर्ती होगी दोस्तों जो 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में ये भर्ती आपकी कराई जाएगी। एग्जैक्ट डेट, लोकेशन एंड वेन्यू ऑफ रैली साइट विल बी कंफर्म्ड बाय एडमिट कार्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो दोस्तों 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में आपकी भर्ती होनी है, लेकिन आपकी जो एग्जैक्ट डेट होगी भर्ती की और कहाँ पर ये भर्ती होगी, लोकेशन होगी, वो आपको आपके एडमिट कार्ड के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की भर्ती, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के साथ साथ जीके और जीएस और करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप आर्मी या किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए जॉब की नोटिफिकेशन के साथ साथ उसकी तैयारी भी कराते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।